हेलो नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पज टू मेक आवर टास्क इजियर। फॉर एग्जांपल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट के बारे में आज हम जानेंगे कि अगर हमको पानी निकालना हो तो इसके लिए हम मोटर का प्रयोग करते हैं। मोटर कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। आपके घरों में अगर उजाला करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे? चाहे मोमबत्ती जलाएंगे, चाहे लैंप जलाएंगे, चाहे बल्ब जलाएंगे। तो बल्ब जलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? चाहे बैटरी का, चाहे बिजली का। तो अगर बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं तो बैटरी जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। और अगर बिजली जला रहे हैं डायरेक्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप बैटरी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बैटरी का प्रयोग कहाँ होता है? इन्वर्टर में आपके बैटरी लगती है, जीप में लगती है, कार में लगती है, और बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। टॉर्च में भी इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सेल जो है एक प्रकार की डिवाइस है। इलेक्ट्रिक सेल जो है यह एक प्रकार की डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक सेल जो है एक प्रकार की डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उस सेल में दो साइन होते हैं, एक प्लस साइन दूसरा माइनस साइन। जनरली प्लस वालों को जो है हम लोग लाल से दिखाते हैं, माइनस वालों को ब्लैक से दिखाते हैं। ऐसे दो प्रकार के तार होते हैं। को फिगर नंबर 12.1 में एक इलेक्ट्रिक सेल दिया गया है। इसके प्रयोग से आप बल्ब को जला सकते हैं तार लगा के। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से बल्ब को जलाने के लिए तार वगैरह का यूज होता है, इन सब को मिला के जिस तरह से तार को जोड़ा जाता है सेल में और बल्ब में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिक सेल सर्किट कंप्लीट माना जाता है, और बल्ब नहीं जलता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट माना जाता है। हम नहीं जलने के कई कारण हो सकते हैं, चाहे बल्ब फ्यूज होगा, चाहे सेल डिस्चार्ज होगा, चाहे तो आपका सर्किट सही नहीं होगा, कनेक्शन जिसको बोलते हैं वो सही नहीं होगा। अब बताते हैं फिलामेंट क्या होता है। बल्ब में जो तार लगा होता है जो चमकता है, ग्लो करता है, वास्तव में वह टंगस्टन का बना होता है जो बहुत ही अधिक रेजिस्टेंस होता है। तो जब लाइट उसमें से पास करती है तो वो चमकने लगता है, उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए 12.3 और 4 में जो है बल्ब और सेल दोनों दिए गए हैं, दिखाए गए हैं किस तरह से आप कनेक्शन करके जोड़ के दिखा सकते हैं। ABCD में यहाँ पर दिखाया गया है कि सही कनेक्शन करेंगे तो बल्ब जलेगा, गलत कनेक्शन करेंगे तो नहीं जलेगा, कहीं तार टूटा होगा तब भी बल्ब नहीं जलेगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम सेल और बल्ब और तार इन तीन और स्विच इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज किया जाता है फ्यूज। जैसे घर भर में फ्यूज लगाया जाता है, जब कभी ओवरलोड होता है या कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसे में फ्यूज जो है सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब फ्यूज क्या होता है, खुद पिघल जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है ये भी सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जो हमको ज़रूरत होती है तब बल्ब हम जलाते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो बल्ब को बंद कर देते हैं। यह भी एक प्रकार की डिवाइस है जो
इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं। ये स्विच आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद ये फिगर आप लोग को बनाना है टार्च का। इसमें टार्च में देखो क्या क्या दिया गया है, प्लास्टिक तो क्या है और कहाँ बल्ब लगा है, कहाँ पे सेल है, कैसे कनेक्शन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस और माइनस का कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सेल में, अगर जोड़ना होता है। प्लस प्लस का नहीं होता है, प्लस माइनस का होता है। मतलब अगर आपको दो सेल को जोड़ के बैटरी बनानी है तो एक का प्लस और एक का माइनस जोड़ते हैं। इस तरह से हमको जो है इलेक्ट्रिक सेल को एक दूसरे में जोड़ने से बैटरी मिल जाती है। फिर हम लोग समझते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें नहीं पास करती उसको इंसुलेटर बोलते हैं। वो कंडक्टर जैसे मतलब कोई मेटल हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो सब क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती है तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए फिलामेंट डेट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब के पास क्या होता है, फिलामेंट होता है, जो किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, और दोनों तरफ से वो किससे कनेक्ट होता है, बैटरी के टर्मिनल से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो वेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उस तार में से होके, किसमें कौन से तार, फिलामेंट में से होके पास करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब जलता है। इन ए क्लोज सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। मतलब अगर क्लोज सर्किट है तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ओपन रहेगा तो नहीं पास करेगी। स्विच इज ए सिंपल डिवाइस डेट इज यूज आइदर ब्रेक टू इलेक्ट्रिक सर्किट आर कम्प्लीट इट। तो चाहे उसको बंद करने के लिए, चाहे चालू करने के लिए, सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल्स डेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितने मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर पास नहीं करती, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। बल्ब क्या होते हैं बोलते हैं, बल्ब एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे तो उससे प्रकाश मिलता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें जो है स्विच और सेल बल्ब ये सब स्विच अटैच होते हैं, उसको पूरे को मिला के इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। फिलामेंट का क्या होता है, जो बल्ब में जिसमें जो चमक उत्पन्न करता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है उसको इंसुलेटर कहते हैं। स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्विच का प्रयोग हम लोग घरों में बोर्ड में किया जाता है, चाहे तो ऑन करने के लिए सर्किट और चाहे ऑफ करने के लिए। टर्मिनल्स क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी को हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यही हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी अपने देश में चाहे थर्मल पावर कॉरपोरेशन से उत्पन्न किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यहाँ पे कोयला जला के बिजली बनाया जाता है। कहीं कहीं जो है एटॉमिक एनर्जी से बिजली बनाई जाती है ना, जैसे नरौरा में है कल और तारापुर में है, कई जगह में है, तो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी मतलब जैसे यूरेनियम है या थोरियम है, यह सब यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए।
बहुत जगह जो है डैम से बिजली बनाई जाती है। डैम का मतलब बड़े बड़े जो है बांध बनाए गए हैं, वहाँ से टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन चला के बिजली बनाई जाती है। तो अपने देश में जनरली बहुत सारी बिजली बनाने की प्रक्रिया है, सोलर सिस्टम भी उसमें उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो कोयले के यूज़ से हम लोग बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर के यूज से हम लोग बिजली बनाते हैं। बिजली की सप्लाई आप जानते हैं पोल और वायर के द्वारा गांव-गांव में की जाती है, या उसमें ट्रांसफार्मर भी जगह जगह लगा होता है। तो बिजली बनाने के बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, कहाँ का उपयोग करते हैं बिजली का, बल्ब जलाने में, मोटर चलाने में, मिक्सी चलाने में, और आजकल तो ट्रेन चलाने में भी जो है बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज इसमें बहुत अधिक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो एक दो महीना, किसी के बाद 10 घंटे सप्लाई ना किया जाए बिजली का, तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें इसी पर टिकी हुई है, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। उसमें जो फ्लो करता है वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है, कि हम लोग कहते हैं करंट, उसको हम लोग करंट करंट आ गया, करंट बोला जाता है। तो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसी वायर में तो हम लोग कहते हैं करंट मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और इस तरह से जो है इस चैप्टर में ढेर सारे फिगर हैं, इन फिगर की बनाना और बाकी समझने के लिए हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे इसको। तो बाकी यहाँ पे देखो एक बनाया गया है कंडक्टर है, इंसुलेटर, इसका टेबल बनाया गया है, की है, इरेजर है, स्केल है, मैचस्टिक है, ग्लास बैंगल है, आयरन नेल्स है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है पास होगा, किसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा, इसको आप आसानी से बता ही सकते हैं। जैसे की है मेटल की बनी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इरेजर है रबड़ का बना है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा, स्केल है प्लास्टिक का बना है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगी, मैजेस्टिक है लकड़ी का बना है नहीं पास करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास बैंगल है ग्लास का बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा, आयरन नेल्स है मेटल का बना है इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।